इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी 19 दिसंबर को बीजेपी में होंगे शामिल। 19 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने भी न्यूज 18 से बातचीत में इस बात को साफ कर दिया था कि शुभेंदु अधिकारी से बीजेपी में शामिल होने को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन कब शामिल होंगे इसको लेकर अब सूत्र यह बता रहे हैं कि अमित शाह के दौरे के दौरान यानी 19-20 दिसंबर को अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 19 दिसंबर को अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी शामिल हो सकते हैं, तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ममता सरकार से नाराज चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि आज जो हल्दिया में रैली है उनकी, उसमें वो कभी भी टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इसी मामले से जुड़ी हुई यह आ रही है कि अमित शाह की मौजूदगी में 19 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। मुकुल राय जी, एक छोटा सा सवाल है, ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के लगातार दौरे पर हैं और अब पार्टी की रणनीति ये है कि बीजेपी के दौरों का जवाब दौरे से दिया जाए। ये दौड़ाना के नहीं, वो छूटने कोशिश कर रहा है लेकिन रिजल्ट है 0। लेकिन सर, शुभेंदु अधिकारी आज एक रैली कर रहे हैं और उम्मीद है कि क्या वो आपके साथ आने वाले हैं? ये तो फैसला हो गया है, हमारा मालूम होता है जी, 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। तो मुकुल रॉय ने भी साफ कर दिया कि बातचीत हो चुकी है, जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि 19 दिसंबर को शामिल हो सकते हैं। विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये खबर आप ही की है, क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए जानकारी, क्योंकि लंबे समय से बातचीत चल रही थी शुभेंदु अधिकारी को लेकर के, और शुभेंदु के जिस तरीके के तेवर थे आक्रामक, उन्होंने एक तरह से विपक्षी तेवर अपनाए हुए थे, उसको देखते हुए साफ था कि ममता बनर्जी सरकार और उनके समर्थक कितना भी कोशिश करें, अब शुभेंदु अधिकारी को रोक पाना उतना मुमकिन नहीं होगा। तो अब ये लगभग साफ हो चुका है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान जो 19 और 20 दिसंबर को है, उसी दौरान शुभेंदु अधिकारी 19 तारीख को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई और परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि जो जानकारी हमें है कि 19 तारीख को उनके बीजेपी में शामिल होने की बात अब लगभग फाइनल हो चुकी है और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और एक बड़ी बात गायत्री हमें समझनी पड़ेगी कि शुभेंदु अधिकारी का जाना सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं होगा, बल्कि ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2007 में पूरा नंदीग्राम सिंगूर का पूरा आंदोलन चला था, तो उसकी पूरी रूपरेखा शुभेंदु अधिकारी ने बनाई थी, और जिस तरीके से लेफ्ट फ्रंट की सरकार वहां पर जमीन अधिग्रहण कर रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, और उसी आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी सवार होकर के राज्य की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री। बड़े आंदोलन की अगुवाई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई थी और उसी आंदोलन पर सवार होकर ममता बनर्जी की तरफ से अपने संगठन को मजबूत किया गया था, सफलता पाई गई थी। लेकिन अब अगर शुभेंदु अधिकारी पार्टी को छोड़ते हैं तो बड़ा झटका, विक्रांत बता रहे हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, टीएमसी पार्टी के भीतर शुरू हुए बिखराव को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। टीएमसी ने पार्टी से नाराज चल रहे विधायक जितेंद्र तिवारी को मुलाकात के लिए कोलकाता बुलाया है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने फोन कर जितेंद्र तिवारी को बुलाया है। इस मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी रहेंगे मौजूद। जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने ममता सरकार पर आसनसोल की अनदेखी का आरोप लगा दिया। हालांकि जितेंद्र तिवारी ने फिरहाद हकीम से ना मिलकर सीधे ममता बनर्जी से मिलकर बात करने की बात कही है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, एक तो बड़े डेवलपमेंट पर अरुण आपके पास आते हुए, विक्रांत बता रहे हैं कि 19 दिसंबर को अमित शाह के दौरे के दौरान शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि टीएमसी छोड़ने का ऐलान कब, और जितेंद्र तिवारी को जिस तरीके से बुलाया गया है मनाने के लिए, यह कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि एक्सपोज तो उन्होंने कर दिया यह कहते हुए कि जो फंड केंद्र भेज रहा है राज्य सरकार उसका इस्तेमाल नहीं होने दे रही। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के भी जैसा कि विक्रांत ने बताया और जिस तरह से मुकुल रॉय ने भी कहा कि सारी बातचीत हो चुकी है वो 2 से 4 दिन में, तो अगर उनकी बात को भी सुने तो 2-4 दिन का मतलब 19 तारीख को, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर। पहली बार वो आए थे और बांकुड़ा गए थे, उसके बाद दूसरी बार वो आ रहे हैं दौरे पर, तो उस दौरान जिस स्तर के और जिस कद के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर का पूरा आंदोलन ड्राफ्ट किया, ममता बनर्जी ने उसी की सीढ़ी पर चढ़ करके सत्ता पाई और सत्ता में लगातार वो बनी हुई हैं, सत्ता पर काबिज हैं, तो ऐसे जो बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, आज वो रैली कर रहे हैं
आज दोपहर तक या शाम तक हो सकता है वो अपने इस्तीफे का जो ऐलान पहले ही कर चुके हैं, पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दें और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी की जहां तक बात है, उनको भी फिरहाद हकीम ने बुलाया था, लेकिन वो भी अब दो टूक बात करने के मूड में है। तो बगावत जो है टीएमसी के अंदर वो एक बड़ी वजह बन रही है ममता बनर्जी के लिए। एक तरफ बीजेपी का दबाव है, दूसरी तरफ बागी नेताओं का दबाव है और ममता बनर्जी इस बीच उत्तर बंगाल के दौरे पर है। तो देखने वाली बात है, लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल की लचर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। बंगाल से जुड़े बीजेपी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा की शिकायत की, साथ ही बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव की मांग उठाई। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था का मसला उठाते हुए बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है बीजेपी ने और ममता सरकार की शिकायत की है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन से, इस पूरे मामले को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर क्या कहा गया बीजेपी नेताओं की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस मामले पर कब और किस तरह के एक्शन की उम्मीद नीरज? गायत्री बिल्कुल 45 मिनट मुलाकात चली है बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, अभी अभी बैठक खत्म हुई। आप देख सकते हैं स्वपन दास गुप्ता को, जो बीजेपी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, राज्यसभा के सांसद हैं, और दूसरी तरफ लॉकेट चटर्जी आ रही हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन विमल से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। प्रतिनिधि मंडल में 4 से 5 लोग थे और इन लोगों ने लगातार ये मांग की है चुनाव आयोग से, या पहले भी मांग कर चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। 45 मिनट तक बैठक चली है और बीजेपी का रुख आक्रामक न सिर्फ बंगाल में बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी आक्रामक दिख रही है और ये मांग की जा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा प्रशासन पे दबाव बनाया जाए ताकि कुछ भी इधर से उधर न किया जाए। ये आरोप है बीजेपी का। चुनाव आयोग के दायरे में अभी नहीं आता सारा कुछ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे खास बात यह है कि चुनाव आयोग की टीम कल जा रही है डीसी स्तर पे और परसों से बैठकों का दौर जारी होगा। स्वपन दास गुप्ता मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। स्वपन जी, क्या बात हुई, बात क्या हुई है सर? हिंदी में बात करना है। पहले हिंदी में बोलना है। देखिए आज हम लोग क्या बात हुई अंदर सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो आए हैं, हमारा तीन मांग था। एक तो है कि सर एक मिनट थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा फैला दीजिए ना, थोड़ा फैलाइए। सबसे पहला तो है जो कानून व्यवस्था का हालात है पश्चिम बंगाल में, जिस ढंग से हमारे अखिल भारतीय सभापति जी का काफिला पे हमला हुआ और उसके बाद जो पुलिस का बयान है कि उसमें कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, बहुत सारे गाड़ियां टूटी, हमारे बड़े नेताओं के ऊपर काफी चोट आया, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस बोलता है ये शांतिपूर्वक था, तो ये साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गया है और ये पुलिस चुनाव नहीं करा सकता है। तो केंद्र फोर्स जितना जल्दी हो आए, नहीं तो जो प्रचार है वो बहुत मुश्किल होगा करना। दूसरा, जो इलेक्ट्रल रोल है वो जो तैयार हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे मृतक वोटर का नाम अभी भी है, जो घर छोड़ के दूसरे जगह चले गए उनका भी नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी वहाँ पे हैं, उनमें से एक उनका खेमा है जो कि प्रतिबद्ध है और वो खुद एक मीटिंग करके, नबन्ना में मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जान पे भी खेल के आपको जिताएंगे। तो यदि एक फेडरेशन ये बोलता है तो वो पोल प्रोसेस के एक हिस्सा कैसे होंगे, ये मूल मांगे थे। और चुनाव आयोग की टीम कब जा रही है स्वपन दास गुप्ता जी? चुनाव आयोग की टीम जाने वाली है डीसी स्तर पे, आपको क्या जानकारी दी गई? 17 तारीख को सुदीप जैन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे, उसको जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। ये आश्वासन देके हम लोग थोड़ा अभी तक संतुष्ट है कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन उनको पास वो अवेयर है और मैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कलकत्ता या डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएंगे ये करेंगे। और सबसे बड़ा है कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, एक तो डेड वोटर्स या जो लोग उनका घर मूव किया है, और फाइनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑडिट करेंगे ऑफ न्यू वोटर्स। Basically, what the establishment there is also saying, Shakunda, that there is no jurisdiction of the Election Commission right now because the model code of conduct is not in place. Well, we have asked the Election Commission, we have cited to the Election Commission Section 15 of the Representation of the People. तो बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से हम मिले हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का कानून व्यवस्था का मुद्दा है उसको लेकर शिकायत की गई है। साथ ही यह भी कहा कि बॉर्डर एरियाज में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहे हैं लगातार, उसको लेकर बीजेपी को इस बात का शक है कि कहीं रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को तो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा। इसकी शिकायत भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की तरफ से की गई है। इस सबके बीच आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ मुखौटा है और उनके भतीजे अभिषेक भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, हाल ही में उनके ऊपर हमला भी हुआ था, फ्रैक्चर भी हुआ था, उसके बाद उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मेरे साथ हैं कैलाश जी। हाल में जो हमला हुआ था उसके बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, अब क्या जो पूरे प्रदेश में आप लोगों की मूवमेंट है उसमें कुछ बेहतरी हुई है? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा अपनी जगह है पर बाकी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा थोड़ी है, इसलिए हमले तो कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं। चूँकि अब हम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तो हमें तो सुरक्षा मिल गई, पर कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसा की राजनीति हो रही है ममता जी के द्वारा, वो तो रुकना चाहिए। आप वर्धमान में भी आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई, वो कह रहे थे, टीएमसी के लोग कह रहे थे कि वो तो तालाब में कूद गए और तालाब में गिरने से उनकी मौत हो गई। यही तो टीएमसी और बंगाल की पुलिस की विशेषता है कि मार के फेंक देते हैं और उसके बाद कहते इसने आत्महत्या की। विधायक को सार्वजनिक स्थान पर फांसी पर लटका दिया और कह दिया कि उसने आत्महत्या की, कोई एमएलए आत्महत्या करेगा? पुरुलिया के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटकाया, उनके कपड़ों पर लिखा कि आप बीजेपी का काम करते हैं, उसकी सजा। उसके बाद भी पुलिस ने उसको आत्महत्या केस बना दिया। तो ये बंगाल की पुलिस है, बहुत जादूगर है, ये किसी भी हत्या को आत्महत्या बदल देती है। तो सवाल बड़ा है कि ममता का गढ़ टूट जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, चारों तरफ से ममता बनर्जी घिर चुकी है, शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिली है, मोर्चेबंदी बंगाल में बीजेपी के नेताओं की तरफ से अलग से है, तो वहीं केंद्र भी सख्त है। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? कोई रास्ता बचता है, कोई विकल्प बचता है आपकी नजर में उनके पास? वंशवाद की बलिवेदी पर कुर्बान होने जा रही है ममता, क्योंकि अपने इस भतीजे को, लड़के को न लाई होती जो है इनका, तो ये सारे लोग इनके सब साथी थे, सब फ्रेंड्स थे, सब साथ साथ काम करते थे और सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। लेकिन उसमें आके जो बता रहे हैं 25 लाख का चश्मा, हमको उसका दर्शन ही मिल जाए हम धन्य हो जाएंगे, वो तो अगर पहने घूम रहा है तो जाहिर है कि उसने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की है। और पॉलिटिक्स में जो भी आते हैं, ज्यादा लोग धंधे के चक्कर में आते हैं, तो इन्हीं लोगों का हिस्सा काट रहा होगा। तो अब सब नाराज होकर सब भाग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी है, क्योंकि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को तो जाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन से कह के वो तो बाकायदा मुसलमानों की छानबीन कराएंगे। उधर दूसरा पहलवान जो तलवार भांज रहा है मोहम्मद अवैसी प्रसाद, वो भी आगे कुछ खेल करेगा। तो कुल मिला के हमें लगता है ममता तो गए हो जी, यानी ममता की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। इस बीच ये भी बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल के हालात पर चिंता जताई और टीएमसी को प्रदेश के हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया।
पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद उन तीन बंगाल के तीन अफसरों को पुलिस तीन आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अब उससे इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, बंगाल में तो वाकई लोकतंत्र खतरे में है। पहली आमिष जी, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सबसे बड़ी पार्टी, यहां तक कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिखर चुकी है, फेल हो चुकी है। मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिन दहाड़े रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, मृत्यु की जाती है। 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं को कत्ल हो चुका है। मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल में जो आज स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की स्थिति बन गई है, और आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब। ममता बनर्जी ये चाहती है, और जो लोग बंगाल को पॉलिटिकली रीड कर पा रहे हैं, वो ममता बनर्जी ये चाहती है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे भारतीय जनता पार्टी, जिससे सहानुभूति उनको मिले और जो पॉलिटिकली उनके लिए इस समय सिचुएशन खराब है वो बेटर हो पाए। देखिए, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन तो आप रोज देखते हैं, उनके खुद के नेता एक के बाद एक उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनकी असलियत सामने जितनी ज्यादा खुल रही है जनता में, उनके प्रति पूरी तरीके से एक प्रकार से विफल सरकार की भावना हो गई है, और एक ऐसी सरकार जिसने दहशत कर रखी है पूरे पश्चिम बंगाल में। तो आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की सरकार इसका मुंह तो जनता इस सरकार को पूरी तरीके से फेल करेगी और इस सरकार को बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम ने चिंता जताई और केंद्र सरकार के साथ किसानों से भी इस मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। एसोचैम ने खत लिखकर इस आंदोलन की वजह से रोजाना 3500 करोड़ के नुकसान होने का दावा किया। इस खत में एसोचैम की तरफ से कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की गई और इससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने की भी उम्मीद जताई गई। तो एसोचैम की ये अपील के जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकले। आपको बता दें, कृषि सुधार कानून को लेकर एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत है, तो इस सब के बीच उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार के साथ किसानों से भी इस मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की है। विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। विक्रांत, एसोचैम की तरफ से किस तरीके की अपील की गई है, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई गई है? देखिए, उद्योग जगत की अपनी चिंता है और वो बड़ी वाजिब चिंता है, क्योंकि एक देश ने कोरोना के कारण एक बड़ा गंभीर आर्थिक संकट का समय देखा है और उससे अब धीरे धीरे जब देश उभरने लगा है तो किसान आंदोलन की वजह से जो समस्या पैदा हो गई है उद्योग जगत के सामने, वो निश्चित तौर पर उसे लेकर के एसोचैम चिंतित है और इसीलिए उसने अपील की है कि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और साथ साथ एसोचैम ने एक आकलन लगा करके ये कहा है कि हर रोज इस आंदोलन की वजह से करीब 3500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि खेती किसानी से सिर्फ के आंदोलन करने से, किसानों के आंदोलन करने से सिर्फ खेती और किसानी नहीं रुकती, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से इन पर निर्भर हैं, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, तो वो तमाम चीजें पूरी तरीके से रुक जाती हैं। और कई ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि ट्रैवल लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ जाता है, आने जाने में दिक्कत की वजह से सामान को दूसरे रास्तों से ले आना पड़ता है, वो खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं जा पा रहे, उनका काम रुक जाता है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उद्योग जगत चिंतित है और उद्योग जगत
की जो बड़ी चिंता है वो यही है कि किसी तरीके से कोरोना का एक लंबा समय देश ने देखा और उस दौरान आर्थिक गतिविधियों पर, अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ा और अब जब देश उससे उभरने की कोशिश कर रहा था तो किसान आंदोलन सामने आ गया। इसी कारण एसोचैम ने किसान आंदोलन कर रहे किसानों से और सरकार से यह कहा है कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ठीक है विक्रांत, लौट रहे आपके पास। विक्रांत लौट रहे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें, कृषि सुधार कानूनों को समझाने के लिए भोपाल में बीजेपी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शामिल किसानों ने कृषि सुधार के लिए किए गए केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की और इस कानून का समर्थन भी किया। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ हैं। सम्मेलन के जरिए लगातार कृषि सुधार कानून के प्रति जागरूक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, वहां किस तरीके से सम्मेलन किया और मनोज आपने किसानों से बात भी की, क्या रहा उनका रुख? नजारा दिखाऊंगा कि भोपाल में ये पर्व शुरू हुआ है। संभागीय स्तर पर बीजेपी लगातार ये किसान सम्मेलन कर रही है और यहाँ पर जो अभी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, वो यहाँ पर बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के वीडी शर्मा और तमाम नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद और भोपाल संभाग का ये पहला मध्य प्रदेश का सम्मेलन है इस तरह का किसान सम्मेलन, जो कि नए कृषि कानूनों को लेकर उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बीजेपी आयोजित कर रही है। आज दूसरा सम्मेलन उज्जैन में भी होना है। यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? रायसेन जिले। ये मतलब जो कृषि कानूनों को लेकर आपको कैसे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नए कानून हैं ये आपको कैसे फायदा पहुंचाएंगे? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि किसानों के हित में जो कानून बनाया है। तो किसानों के हित में किसान बता रहे हैं कृषि सुधार बिल को। हम लौटेंगे आपके पास मनोज। इस बीच बता दें, न्यूज 18 से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, आज जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से वहां पर आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा आरोप कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हम दरअसल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट से कुछ ही दूरी पर है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारे साथ कुछ जो फैक्ट्री के पदाधिकारी हैं वो हैं। पहले मैं बता दूं, ये एक शीट्स की फैक्ट्री है जहां मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि कितना क्या असर पड़ा है जो फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है पिछले 20 दिन? सर, असर की तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले 20 से 25 दिन हुए हैं, हाँ। जो ये है, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है जो हम साल भर तक नहीं भरपाई कर सकते। अच्छा। हमारे इंपोर्ट के करीबन 100 कंटेनर हैं जो ICD सोनीपत में खड़े हुए हैं, जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते हैं। हाँ। वहाँ से डिटेंशन लगी जा रही है, दिन प्रतिदिन लगती है, 22-25 हजार रुपए पर कंटेनर पर डे की डिटेंशन है। कितना अगर रुपयों में कैलकुलेट करें, कितना नुकसान आपको इन 20-25 दिन में हुआ? सर, 20 से 25 दिनों में आप मान के चलिए हमारे 50 से ऊपर ही का नुकसान है। 50 लाख से अबाउट। अच्छा। दूसरा क्या है सर, हमारा जो कस्टमर बैकअप है, जो हमें कस्टमरों को माल देना है, हम उन्हें माल नहीं दे पा रहे, हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हमारी पेमेंटें रोक ली हैं। हमारे लिए अगर ये इसी तरह से चलता रहा, 10-15 दिन और चला, तो हम तो बंद करके और सब इन्हीं के साथ सड़क पे आ जाएंगे। हमें भूख हड़ताल करनी पड़ जाएगी कि जी हमें भी दे दो, जो हम अपनी लेबर को और कैसे फीड करेंगे। इस चीज का यहाँ पर काम होता है, और बताएं लेबर का क्या हाल है यहाँ पर? लेबर पहुँच पा रही है? काम हो रहा है? काम बंद है क्या? काम तो देखिए सर, रुका ही हुआ है सारा। लेबर का या हम लोग भी कैसे आ पा रहे हैं? हम अपनी गाड़ियां बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़ी करते हैं। अच्छा। 2-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये दूसरा पहलू है जावेद, जो आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन का असर इंडस्ट्रीज पर, जो लोग काम धंधे से जुड़े हैं उन लोगों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। महत्वपूर्ण ये है कि अब आप की राय में यह आंदोलन हाईजैक हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेगोशिएशन ही नहीं करने आया। नरेंद्र सिंह तोमर किसान है, उन्होंने तो आप में भी तंज कसा कि आप भी किसान नहीं है, ना अमित शाह किसान है, इनको समझ भी नहीं आया क्या करना है। अब आपकी सरकार फंस गई है। क्या आपको लगता है कि अब कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये केंद्र सरकार है, पूरे देश की सरकार है जी, और पूरे देश के किसानों का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम फंस चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं हम फंस चुके हैं। अब कुछ किसान भाई बहन भ्रमित हुए हैं, कुछ किसान भाई बहन को ठीक से आंदोलन में अब हिस्सा नहीं मिल रहा है और गलत ताकतें उस आंदोलन को
हाईजैक कर चुकी है, इससे उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। रही बात किसान की, मैं जरूर स्वीकार करता हूं मैं किसान नहीं हूं, पर तोमर जी हमारे किसान नेता है और इस देश के किसान नेता है। अमित शाह जी 18 साल तक मंडी के अध्यक्ष रहे, वो किसान हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे को कहां मालूम पड़ेगा ये सब चीजें जी। राहुल गांधी जी ने तो फार्म हाउसेस देखे हैं, फार्म लैंड नहीं देखा है। और कांग्रेस के लोग तो आप जानते ही हो, उनके तो मुख्यमंत्री छोटे छोटे किसान खेत में करोड़ों रुपए के सेफ बनाया करते थे। राहुल गांधी जी वो सब चीजें भूल गए। राहुल गांधी जी को याद नहीं है कैसे उनके मुख्यमंत्री छोटे से खेत में करोड़ों रुपए के, आपको मालूम है ना क्या मैं बात कर रहा हूँ जी, करोड़ों रुपए के एप्पल सेब बनाया करते थे। तो कितना किसानी कांग्रेस के नेता जानते हैं वो तो पूरा देश देख चुका है।